Assalamualaikum, welcome to another vlog. I'm here in Kanju Sawad right now. So let's live today's moments. अभी असर का टाइम है और मैं बाहर आया हूँ, और बाहर आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी मैं कांजू टाउनशिप में हूँ, और इस टाउनशिप में एक जिम है, तो वो जिम में चेक करने जा रहा हूँ किस तरह का जिम है. एक दोस्त मुझे मिला था, वो कह रहा था कि बड़ा ही अच्छा है, एडवांस जिम है, तो मैंने कहा कि बहुत दिन हुआ जिम लगाया नहीं है, तो अभी चल रहे जिम में और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट है, इक्विपमेंट वहाँ पर किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे और थोड़ी बहुत जिम लगाएंगे. आज बैक और बाइसेप लगाएंगे. और सामने इसके पता नहीं सोसाइटी है कि क्या है, और इसके आगे ही कोई शादी हाल टाइप का कुछ है. यहाँ पे लिखा है वेट कंट्रोल, इंडोर साइकिलिंग, पर्सनल ट्रेनिंग, योगा क्लासेस, मॉडर्न इक्विपमेंट. और यहाँ से रास्ता आगे जाता है जिम के लिए. ये सामने जो बैनर आपको दिख रहा है, यहाँ से आगे जाके सामने ही जिम है. तो चले अंदर जाके देखते हैं जिम में क्या है, किस तरह का जिम है, ये देखने से ही पता चलेगा. तो सारी वो मशीनें इस जिम में आपको मिलेंगे जो ज़रूरी हैं. हालांकि बेसिक मशीनें वहाँ पर हैं, साइकिल्स वहाँ पर हैं, और चेस्ट के लिए मशीनें सारे वहाँ पर अवेलेबल आपको मिलेंगे, और बैक के लिए, बाइसेप के लिए, और इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेश है वहाँ पर. मतलब जब मैं आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि सवात में काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन सवात में इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं, और मौसम यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हर रोज़ रात को बारिश होती है सुबह तक. तो चित्राल में ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, ख़ास करके जिम को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया. स्टाफ भी काफ़ी ज़बरदस्त है, कोऑपरेटिव है, और ये लोग फीस भी काफ़ी मुनासिब लेते हैं, 1000 पर मंथ आई थिंक इस तरह का कुछ है. बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं हर रोज़. काफ़ी ज़रूरी एक्सरसाइज करना, इससे मतलब जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो जब एक्सरसाइज करके फिर छोड़ेंगे तब उनको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. वैसे सवात के लोग काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब कि ज़्यादातर ये शलवार कमीज ही पहनते. और अभी वेट कर रहा हूँ शम्स का, पता नहीं वो कहाँ रह गया, उसने तो कहा था कि 20-30 मिनट में आ जाऊँगा, मैं जिम लगा के आया हूँ, अभी मुझे 10-15 मिनट हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसका कोई ज़्यादा पता नहीं है. तो खड़े रहते हैं, क्या कर सकते हैं, जा भी सकता हूँ, लेकिन वो फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो फिर यहाँ पर मेरा इंतज़ार करता रहेगा, इसलिए इधर ही खड़े रहते हैं जब तक वो आता नहीं है. वैसे यहाँ भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, अच्छी बड़ी ठंडी हवा चल रही है सवात में, तो अगस्त के महीने में सरप्राइजिंग है, लेकिन वो सही है, क्या करें, मानना पड़ेगा. ये आ गया भाई, अभी रोड क्रॉस करके निकलना है उस तरफ, ये सामने, ये काफ़ी इंतजार के बाद चला. तो अभी जा रहे हैं घर की तरह वापस. अभी इवनिंग वॉक पे निकला, और यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला बंदा हमें मिला. ये बंदा ने घर के ऊपर गाड़ी बनाई है, वो बेसिकली पानी का टंकी है, वो उसने गाड़ी टाइप शेप दी है उसको, अच्छा लग रहा है, यूनिक है. और चांद भी पूरा निकला हुआ. अभी इवनिंग वॉक से वापस घर जा रहा है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस ब्लॉग, एंड टिल द नेक्स्ट ब्लॉग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर.